हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूँ यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या डीन एम्ब्रोस अपना रिटर्न करने वाले हैं मनी इन द बैंक पेपरव्यू में, और क्या वो अटैक करेंगे रोमन रेंस को। दोस्तों, मेरे पास बहुत बढ़िया शॉकिंग अपडेट आई है जिसे सुनकर आप एकदम शॉक हो जाएंगे। सभी बेसब्री से वेट कर रहे हैं डीन एम्ब्रोस के रिटर्न का, और हमें एक शॉकर मिल सकता है मनी इन द बैंक पेपरव्यू में। पर वो न्यूज सुनाने से पहले मैं आपको कुछ बड़े अपडेट देना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि स्मैकडाउन लाइव फॉक्स नेटवर्क पर चले जाने वाला है 2019 में, और रूमर्स ये भी है कि स्मैकडाउन लाइव ट्यूसडे की जगह पर फ्राइडे को आएगा। और दोस्तों, WWE को फॉक्स नेटवर्क पर ये डील नियरली $1 बिलियन की मिली है, पर उसमें इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है WWE को, क्योंकि स्मैकडाउन लाइव की रेटिंग स्टिल कम आ रही है। और दोस्तों, पिछले स्मैकडाउन लाइव में सिर्फ 5,000 सीट्स फुल हो गए थे, 7,000 से 8,000 सीट्स खाली थे। और इस पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ब्रायन एल्वारेस ने कहा कि अगर स्मैकडाउन लाइव ऐसे ही लो रेटिंग्स लाते रहे, लाइक 2.1 मिलियन व्यूअर्स ऑन फॉक्स ऑन अ फ्राइडे नाइट, तो फिर स्मैकडाउन लाइव कैंसिल होकर FS1 पर चला जाएगा। WWE को यहाँ से स्मैकडाउन लाइव को बहुत अच्छा शो बनाना होगा, नहीं तो उनका फ्राइडे नाइट नेटवर्क टेलीविजन का स्पॉट भी चले जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं द लूनेटिक फ्रिंज डीन एम्ब्रोस के बारे में। और जैसे कि आपको पता होगा कि वो स्टिल रिकवर कर रहे हैं उनकी इंजरी से, पर र्यूमर्स आए हैं कि वो अपना रिटर्न अभी कभी भी कर सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि हमें देखने मिलेगी जिंदर महाल वर्सेस रोमन रेंस की एक धांसू मैच एट मनी इन द बैंक पेपरव्यू, और इस मैच के स्टेक्स बड़े हाई हैं, और इसीलिए विंस मैकमैन ये मैच एकदम अनप्रेडिक्टेबल जरूर रखेंगे। और जैसे कि आपको पता होगा कि जिंदर महाल ने सिर्फ रोमन रेंस पर ही नहीं बल्कि सेथ रॉलिंस पर भी अटैक किया था, और फिर इसकी वजह से अगले हफ्ते रॉ में हमें देखने मिलेगी जिंदर महाल वर्सेस सेथ रॉलिंस की मैच फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। और दोस्तों, मुझे ज़रा भी नहीं लगता कि जिंदर महाल वो मैच जीतेंगे, क्योंकि मैच के दौरान रोमन रेंस जिंदर महाल पर अटैक करेंगे। दोस्तों, अगर देखा जाए तो जिंदर महाल ने शील्ड से पंगा लिया है। तो फिर दोस्तों, मनी इन द बैंक पेपरव्यू में हमें कुछ ऐसा सिनेरियो देखने मिलेगा जैसे कि रोमन रेंस और जिंदर महाल एक ज़बरदस्त फाइट के बाद रिंग में गिरे होंगे, और फिर तभी एकदम से डीन एम्ब्रोस की म्यूजिक बजेगी और वो आ जाएंगे रिंग में, और वो रोमन रेंस की मदद करेंगे उन्हें उठाकर, और फिर तभी शॉकिंगली डीन एम्ब्रोस अपना हील टर्न करेंगे और रोमन रेंस को दे देंगे डर्टी डेट्स इन द मिडल ऑफ द रिंग, और फिर इसी का एडवांटेज लेकर जिंदर महाल रोमन रेंस को एक खल्लास देकर उन्हें पिन करके ये मैच जीत जाएंगे। और हाँ दोस्तों, इस पूरे अटैक के दौरान रेफरी नॉक्ड आउट हो सकते हैं, पर जब भी जिंदर महाल रोमन रेंस को पिन करेंगे तभी रेफरी होश में आकर उनको पिनफॉल काउंट करेंगे। और दोस्तों, ऐसे फिर हमें एक फेस रोमन रेंस और एक हील डीन एम्ब्रोस की फ्यूड देखने मिलेगी, और फिर जिंदर महाल को भी एक ज़बरदस्त पुश मिलेगा। और दोस्तों, ये मूव एकदम अनप्रेडिक्टेबल, शॉकिंग एंड इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इससे क्राउड मैच ज़रा भी ख़राब नहीं करेगी। और फिर आगे हमें एक फ्रेश न्यू फ्यूड देखने मिलेगी रोमन रेंस और डीन एम्ब्रोस के बीच। दोस्तों, फिलहाल तो हम ये स्पेकुलेशंस कर रहे हैं, तो हमें आगे देखना होगा कि किस तरह से बुकिंग होती है डीन एम्ब्रोस, रोमन रेंस एंड जिंदर महाल की एट मनी इन द बैंक पेपरव्यू। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसे लगा हमारा वीडियो, और आपको क्या लगता है कि क्या डीन एम्ब्रोस अटैक करेंगे रोमन रेंस पर, और क्या आप इन दो ब्रदर्स की फ्यूड देखना चाहेंगे। तो गाइस, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। Peace out.